भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले के भीतर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर केरल और द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। यह विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। मार्तंड वर्मा, जो त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे, ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य कराया, जो आज के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में हमें दिखता है। मार्तंड वर्मा ने ही इस मंदिर में मुरजपम और भद्रदीपम त्योहारों की शुरुआत की थी। मुरजपम, जिसका अर्थ प्रार्थना का मंत्रोच्चार करना होता है, इस मंदिर में 6 वर्षों में एक बार अब भी किया जाता है। वर्ष 1750 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। मार्तंड वर्मा ने यह घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से राज्य का शासन करेगा और वे स्वयं और उनके वंशज राज्य की सेवा पद्मनाभ के दास या सेवक के रूप में करेंगे। तब से त्रावणकोर के प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास पुकारा जाता है। पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य द्वारा दिए गए दान को त्रिपड़ी दानम कहा जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता के नाम पर है, जिन्हें अनंत, जो सर्प अनंत पर लेटे हैं, भी कहा जाता है। शब्द तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि। माना जाता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस मंदिर का संदर्भ मिलता है। यह मंदिर पवित्र टंकी पद्म तीर्थम यानी कमल जल के पास है। यह मंदिर अब एक ट्रस्ट चलाता है, जिसका नेतृत्व त्रावणकोर के पूर्ववर्ती राज परिवार के पास है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 12,008 शालिग्राम हैं, जिन्हें नेपाल की नदी गंदकी के किनारों से लाया गया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, को अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जा सकता है, जबकि दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। सौंदर्य और वास्तुशिल्प। इस मंदिर का वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में सुंदर चित्र और भीति चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी, आधा सिंह आधा नर जो भगवान विष्णु का रूप है, भगवान गणपति और गज लक्ष्मी की छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे स्वर्ण लेपित तांबे की चादरों से ढका गया है। इस मंदिर में कुछ रोचक ढांचे भी है, जो बाली पीड़ा मंडपम और मुख मंडपम के रूप में है। यह बड़े हॉल हैं, जिन्हें विभिन्न हिंदू देवताओं की सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। एक और ढांचा जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, वह नवग्रह मंडपा है, जिसकी छत पर नवग्रह दिखाई देंगे। गलियारा। पूर्वी हिस्से से लेकर गर्भगृह तक एक बड़ा गलियारा है, जिसमें 365 और 1/3 कलाशिल्प वाले ग्रेनाइट पत्थर के खंभे हैं, जिनमें सुंदर नक्काशी की गई है। पूरब की तरफ मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे भूतल है, जिसके नाटकशाला कहा जाता है, जहां मलयालम महीने मीनम और तुलम के दौरान आयोजित वार्षिक 10 दिवसीय त्यौहार में केरल के शास्त्रीय कला रूप कथकली का प्रदर्शन किया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 बड़े बड़े गुप्त वॉल्ट या तहखाने बने हुए हैं। 2011 में एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तलाशी लेने पर उन्होंने 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनके दरवाजे लोहे के बने थे और उन्हें खोलने की सीमित थी। कमेटी द्वारा उन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम दिया था। इन कमरों में प्रवेश करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया साबित हुई, लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद तिजोरी में खजाने की खोज की, तब उन्हें वहां हीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ 1,00,000 करोड़ रुपए की कीमती धातुओं से बनी मूर्तियां और सिंहासन मिले। तिजोरी बी के दरवाजे को नहीं खोला गया,
ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। माना जाता है कि सभी 6 तिजोरियों में से चैम्बर भी भगवान पद्मनाभस्वामी से सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है। तिजोरी खुलने के चंद हफ्ते बाद ही याचिकाकर्ता की अकस्मात मौत के बाद बदकिस्मती की यह धारणा और मजबूत हो गई।